आबादी के हिसाब से उसे हिस्सा मिले, चाहे वो सरकारी नौकरियों का मामला हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो, या सरकार के द्वारा दिए जाने वाले ठेके पट्टे का काम हो, या विकास के लिए जो प्रदेश और देश सरकार से पैसा आता है, तो वो इसकी जितनी आबादी है आबादी के हिसाब से वो खरीद। हमारा भागीदारी परिवर्तन मोर्चा ने ये तय किया है कि अगर भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को लोग अपना इच्छा और आशीर्वाद देते हैं, तो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का मानना है कि किसान को पीछे होने चाहिए, बार बार यहाँ रही जरूरत बगा भी हमारे देश में दोहरी शिक्षा नीति है, एक तरफ प्राइवेट पब्लिक स्कूल है, दूसरी तरफ प्राथमिक विद्यालय है, दोनों में पढ़ाई अलग अलग तरह की है। एक तरफ प्राइवेट पब्लिक स्कूल में CBSE और ICSE की पढ़ाई है और दूसरी तरफ प्राथमिक विद्यालय में हिंदी मीडियम से और UP बोर्ड की पढ़ाई। हम चाहते हैं कि एक समान शिक्षा हो, पाठ्यक्रम एक तरह का हो, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, चाहे वो अमीर का बच्चा हो, उसके बच्चे की पढ़ाई एक तरह की हो, एक पाठ्यक्रम हो, एक किताब हो, ताकि जब वो पढ़ करके कंपटीशन में बैठे तो उसके अंदर ये ना मन में रहे बच्चे के कि मैंने CBSE और ICSE नहीं पढ़ी। इसलिए भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का मानना है कि एक समान शिक्षा पद्धति हो, अनिवार्य शिक्षा हो और फ्री शिक्षा। साथियों, बड़े पैमाने पर हमारे लोग पुलिस के जुलम जासी के शिकार होते हैं, उनकी सुनी नहीं जाती है, वो सोचते हैं कि शायद थाने के इंस्पेक्टर में कोई खराबी होगी, दिमाग मत, या सर्किल के CO में कोई खराबी होगी, इसलिए हमारी नहीं सुनाई होती। हमारी न सुनने का एक ही कारण है कि जब चुनाव का मौका आता है तो हम ऐसे लोगों को चुनाव में जिंदा करके भेजते हैं जो नहीं चाहते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चों को जाएंगे। अभी आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र भी देखा है और समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र भी देखा है। दोनों को देख करके आप ये खुद तय कर सकते हैं कि दोनों ने अभी तक जब सरकार बनाने का मौका मिला तो कितना अमल किया। भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार अभी है, वो कहती थी, कहा उसने कि सबका साथ सबका विकास, आमदनी दोगुना करेंगे किसान की, बच्चों को रोजगार देंगे, शायद उनमें से कोई काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया। बड़े पैमाने पर महंगाई बढ़ी, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी, दालों की कीमत बढ़ी, तेल की कीमत बढ़ी, हर मसले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जब हम 5 साल पहले समाजवादी पार्टी की सरकार को देखते हैं और उस पर नजर डालते हैं तो वो हमारा वोट तो ले लेते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पर हमारा वोट लेती है और वोट लेने के बाद पिछड़ों का दलितों का रिजर्वेशन खत्म करती है और बड़े पैमाने पर पिछड़ों के बच्चे, दलितों के बच्चे और मुसलमान भाइयों के बच्चों को फर्जी मुकदमों में फंसा करके जेल भेजा जाता है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी धर्म निरपेक्ष और समाजवाद के नाम पर वोट लेती है और जब सत्ता में पहुंचती है और जब पुलिस की दरोगा की परगना मजिस्ट्रेट की भर्ती का मामला आता है तो ना तो मुसलमान नजर आते हैं और ना उनको पिछड़े और दलित नजर आते हैं। अगर थानों में सिपाही की, पुलिस की और दरोगा की और परगना मजिस्ट्रेट की भर्ती होती है तो फिर वो ये भूल जाते हैं कि मैंने क्या कहकर के वोट दिया था, कुछ खास समाज के लोगों की भी भर्ती होती है। इसलिए हम लोगों ने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया कि जिसकी जितनी आबादी उस आबादी के हिसाब से सबके बच्चों को सरकारी नौकरियों में जाने का मौका। अगर अखिलेश यादव जी के बच्चे सिपाही दरोगा बने तो शौकत अली जी के बच्चे भी सिपाही दरोगा बने, रविंद्र जायसवाल जी के बच्चे भी सिपाही दरोगा बने और दीनानाथ कुशवाहा जी के भी बच्चे सिपाही दरोगा बने। ये काम तभी संभव है जब हम अपने वोट का प्रयोग अपने और अपने बच्चे के हित में करें। जब तक हम अपने वोट का इस्तेमाल भावनाओं में बैठ करके करेंगे
तो आजादी के 75 साल बाद भी हमें इंसाफ नहीं मिला और आने वाले कितने 75 साल हो जाएंगे हमें इंसाफ नहीं मिला। इसलिए हम चाहते हैं कि आने वाली 3 तारीख को जो हमारे प्रत्याशी हैं देवरिया सदर के भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के वीरेंद्र जायसवाल जी, जिनका चुनाव निशान गैस का सिलेंडर है, और हमारे रूपपुर से चल करके आए हमारे पाल साहब, उनका भी चुनाव निशान गैस का सिलेंडर है, और हमारे पूर्व विधायक जी दीनानाथ जी तो है ही है रामपुर कारखाना से, उनका भी चुनाव निशान गैस का सिलेंडर है। गैस के सिलेंडर के सामने वाले बटन को दबा करके आप लोग अपना स्नेह और आशीर्वाद दे करके इनको जिता करके लखनऊ की विधानसभा में भेजेंगे। मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।